मुरादाबाद की मझोला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पकड़े दो आरोपी। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कबूला अपना जुर्म एवं बाकी दो साथियों की भी कराई गिरफ्तारी। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 13 मोटरसाइकिलें की बरामद। दरअसल पिछले काफी समय से चोरी की घटनाओं पर रोकथाम करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन के मार्गदर्शन में लगातार चेकिंग चलाकर चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने को अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, जिसके तहत थाना मझोला पुलिस चेकिंग कर रही थी। तभी रात करीब 11:20 पर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो अभियुक्त भूपेंद्र एवं मनोज को रोका, पर अभियुक्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से दोनों को मौके पर ही चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस दोनों अपराधियों को थाने ले गई, जहां पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया एवं बताया कि इस कार्य में उनके दो अन्य साथी पवन एवं अमित भी हैं, जिनको की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने नया मुरादाबाद सेक्टर 15 के खाली पड़े दो मकानों से चोरी की अन्य 12 मोटरसाइकिलें बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने चारों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। बता दें कि इनमें से एक अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पर मुरादाबाद व कवि नगर में पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव ने बताया, बाइक चोरी का खुलासा हुआ है सर, क्या है पूरा मामला? थाना मझोला ने आज बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए कल रात एक बाइक चोर गैंग को पकड़ा है और उसके बाद टीम बना करके तलाशी में 13 बाइकें बरामद की हैं इनके पास से। इस बाइक गैंग का सरगना भूपेंद्र नाम का लड़का है, जो थाना छटलैट का निवासी है। इससे पूर्व में भी वो गाजियाबाद में चोरियां कर चुका है और इस संबंध में थाना कवीनगर जिला गाजियाबाद से जेल जा चुका है। अभी एक माह पूर्व ही वो जेल से छूटा है और छूटने के बाद मुरादाबाद में अपना नया गैंग बना करके उसने वारदातें शुरू कर दी। इसकी मोडस ऑपरेंडी थी पुरानी बाइकों से, जो पुरानी बाइकें जिनके लॉक खराब हो जाते हैं उनमें पुरानी चाबियों से उनका लॉक खुलवा करके उस बाइकें उठाने का, और इस काम में ये नाबालिग बच्चों का यूज़ करता था, क्योंकि नाबालिग बच्चों के ऊपर जल्दी शक नहीं जाता है। तो इस गैंग में दो नाबालिग बच्चे भी पकड़े गए हैं, जो 11वीं-12वीं में पढ़ते हैं। उनसे पूछताछ, उन्होंने बताया कि भूपेंद्र उनको अपने साथ में ले जाता था बाइक में बैठा करके, और उनसे पुरानी बाइकों में पुरानी चाबियाँ लगा करके ताला खोलने की कोशिश करता था, जो गाड़ियों के लॉक खुल जाते थे उनको ये लोग ले करके साथ में ले आते थे। अभी तक ये इन्होंने चूंकि गाजियाबाद में पकड़े गए थे, उसके बाद से यहाँ जब पकड़े गए तो गाड़ियाँ ये कोई भी बाइक बेच नहीं पाए, इसलिए सारी बाइकें बरामद हो गई। इसमें से 6 बाइकें कनेक्ट हो गई हैं, जो थाना कवीनगर, रघुवानपुर, छटलैट, थाना मझोला से चोरी हुई हैं। इसके बाद और जो बाकी बाइकें हैं उनको भी कोशिश की जा रही है पता करने की कि कहाँ कहाँ से चोरी। सर, ये करते क्या थे बाइकों का जब चुरा लिया करते थे? भूपेंद्र चूंकि इससे पूर्व पकड़ा गया था, इसका उस्ताद मोहित नाम का आदमी है जो गाजियाबाद में रहता है और उसके साथ पूर्व में गाजियाबाद से जेल जा चुका है। वो पूर्व में गाड़ियाँ डिस्पोज ऑफ करने का काम उस गैंग में मोहित करता, तो ये बाकी गुर तो भूपेंद्र सीखे मोहित से, गाड़ियाँ डिस्पोज ऑफ करने का गुर नहीं सीख पाया। तो यहाँ पर फिलहाल गाड़ियाँ चुरा ही रहा था, लेकिन अभी तक इनको बेच नहीं पाया। सर, कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ रिकवर हुई इनके पास से? अगवानपुर, थाना छजलैट, थाना मझोला, कवीनगर, ये बाइकें करीब 6 बाइकें जो कनेक्ट हो गई, इसके अलावा और पता किया। सर, ये जो नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते थे बाइकें चुराने के लिए, सर इनका कितना परसेंटेज होता था? इस बारे में उनको खाली लालच दिया गया था कि जब पैसे मिलेंगे तो बाप को कुछ उसमें से मिलेगा, लेकिन अभी तक चूंकि बाइकें बिकी नहीं थी इसलिए कुछ उनको अभी तक धनराशि नहीं मिली। सर, जो अपराधी पकड़े गए इनमें से पहले किन किन का आपराधिक इतिहास रहा है? इसमें अभी तक मात्र भूपेंद्र के बारे में हम जान पाए हैं, और भूपेंद्र इससे पूर्व थाना कवीनगर जिला गाजियाबाद से जिला था। एजुकेशन प्रोफाइल क्या है? सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, नाबालिग 11वीं-12वीं में पढ़ रहे हैं, भूपेंद्र 10वीं तक पढ़ा है और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और इधर उधर काम करने लगा। और मनोज जो पकड़ा गया है, मनोज भी BA का छात्र है, कुछ खेती वगैरह भी करता है और मौका मिलने पर इस तरह की। पब्लिक TV, आपकी आवाज़।